हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां पर रैंडम नंबर्स जनरेट कराने हैं, अब ये देख लीजिए, ये वो एरिया है जितने एरिया में हमें रैंडम नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो उस एरिया को मैंने यहां पर बॉर्डर लगा दिया है। अब इसी एरिया में रैंडम नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आर ए एन डी रैंड बिटवीन, इस तरीके से रैंड बिटवीन लिखेंगे और यहाँ छोटा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर दे करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहां से ड्रैग करके जाएंगे इधर की तरफ और फिर नीचे आएंगे ड्रैग करते हुए, इस तरीके से ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि सिंगल क्लिक पे ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, यानी कि आपको ड्रैग करने की जरूरत ही ना पड़े, तब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, मतलब जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां तक का हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर क्या करना है आपको, जैसे यहां पर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको भी सेलेक्ट रखिए और यहां पे इज इक्वल टू प्रेस किया और यहां पे लिखिए रैंड बिटवीन, जो आप लिखते हैं जनरली रैंड बिटवीन वो लिख दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, छोटा नंबर फिर सबसे बड़ा नंबर लिखिए और कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो एक ही साथ एक ही क्लिक पर हर जगह रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे और फिर आप अपने हिसाब से इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ पे कॉपी करिए, फिर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके इस तरीके से आप कर सकते हैं।